नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बारिश के चलते मंगलवार को पूरा नहीं हो सका। करीब 5 घंटे तक इंतजार के बाद अंपायर्स ने मैच को बुधवार रिजर्व डे पर करवाने का निर्णय लिया। मैच रुकने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवर के बाद 211 पर 5 विकेट था। बुधवार को न्यूजीलैंड की टीम 46.1 ओवर से अपनी पारी को दोबारा शुरू करेगी। यह अपनी तरह का चौथा मुकाबला है जब टीम इंडिया का विश्व कप का जो रिजर्व डे में खींचा है। आइए जानते हैं इससे पहले ऐसा कब कब हुआ। 1999 में भारत और इंग्लैंड के बीच 29 मई को बर्मिंघम में खेला गया मुकाबला बारिश के चलते 30 मई को रिजर्व डे पे ले जाना पड़ा। भारत ने सौरव गांगुली के हरफन मौला खेल की बदौलत 63 रन की जीत दर्ज की थी। इसी तरह 1983 में 9 जून को भारत और वेस्टइंडीज़ का मुकाबला एक दिन में समाप्त नहीं हो पाया, जिसके चलते 10 जून को वेस्टइंडीज़ की पारी के 22 ओवर फेंके गए। कपिल देव की टीम ने 34 रन की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसी तरह 1979 में यानी कि 1979 में टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 16 जून को बारिश के चलते मैच धुल गया। यह मुकाबला 2 दिन बाद रिजर्व डे को ओल्ड ट्रैफर्ड के ही मैदान पर खेला गया। भारतीय मैच 47 रन से हार गया था। तो दोस्तों, यह थी बारिश की वजह से डिले हुए कुछ भारत के मैचों के बारे में आपको ये जानकारी और वीडियो कैसी लगी। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।